नीट यूजी पेपर लीक पे बड़ा खुलासा, झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक होने की आशंका। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक होने की आशंका, पहले भी यहां हो चुकी है गड़बड़ियां। ओएसएस स्कूल में बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ का सबूत, बिहार ईओयू ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। नीट यूजी धांधली की जांच को लेकर बड़ा खुलासा, सीबीआई करेगी मामले की जांच। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपी जिम्मेदारी, जांच की कार्रवाई तेज। नेट पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश लगातार जारी, ईओयू ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया। नीट पेपर लीक मामले में दो और गिरफ्तार, झारखंड के देवघर से पिंटू और चिंटू गिरफ्तार। नीट पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा, कहा आरोपियों के राजनीतिक संबंध पुलिस दे रही है संरक्षण। तेजस्वी यादव का मुख्य आरोपी संजीव को लेकर बड़ा हमला, बोले राजनेताओं के साथ उसकी तस्वीरें उजागर। आप जो है सारे पेपरों को रद्द किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, गंभीर मसला है, इस पे जो दोषी है उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों से पूछताछ, 18 घंटे तक ईओयू ने पूछे सवाल। नीट छात्र के 1563 छात्रों की री एग्जाम, एनटीए की ओर से क्विज मार्क्स वापस लिए जाने वाले छात्रों की परीक्षा। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और चंडीगढ़ के केंद्रों पर एग्जाम में हुई थी देरी, जिसके चलते मिले थे ग्रेस मार्क्स। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच परीक्षा केंद्रों पर एनटीए के अधिकारी मौजूद। 6 शहरों में परीक्षा केंद्रों पर शाम के 5:20 तक चलेगी परीक्षा। दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने अनशन के तीसरे दिन आतिशी ने वीडियो मैसेज जारी किया। आतिशी ने दोहराया अपना संकल्प, कहा दिल्ली को पानी मिलने तक जारी रहेगा अनशन। आतिशी ने हरियाणा के अपनी कुंड में पानी भरे होने की कही बात, कहा दिल्ली को पानी छोड़ने वाले गेट किए गए बंद। हरियाणा सरकार पर आतिशी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा दिल्ली के हक के पानी पर हरियाणा सरकार ने लगाया ताला। दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए, दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट बरकरार, पेयजल के लिए जूझ रहे हैं लोग। पेयजल संकट को लेकर राजभवन पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री, उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात। दिल्ली में देवली विधानसभा क्षेत्र में गहराया जल संकट, लोगों की नाराजगी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी पेयजल की समस्या बरकरार, बच्चे और महिलाएं पानी भरने में जुटे। दिल्ली में चल्ला विलेज में पानी की किल्लत, सुबह से लग जाती है लंबी कतारें। बाढ़ और बारिश से होने वाले नुकसान को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट पर, हालात से निपटने के लिए गृह मंत्री शाह की बड़ी बैठक। देश के कई राज्यों में बाढ़ की चपेट में आने से उठाना पड़ सकता है नुकसान। बाढ़ से बेघर होने वालों को राहत देने की योजनाओं पर मंथन, बचाव की तैयारियां तेज। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश से होने वाले भूस्खलन पर चर्चा। गृहमंत्री की समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद। असम के सिलचर में बाढ़ से बिगड़ गए हालात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे काटीकोड़ा में चारों तरफ चल पड़ा। सिलचर में बाढ़ के चलते 3 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित, भोजन और पेयजल का संकट। काटीकोड़ा में स्कूलों के रहने वाले लोग मजबूर, मवेशियों के जीवन पर भी संकट। मुंबई में हुई झमाझम बारिश, ठंडी ठंडी हवाओं से बदल के मौसम का मिजाज। मुंबई से बारिश से मौसम हो गया सुहाना, मरीन ड्राइव पर मौसम का आनंद लेते नजर आए लोग। कर्नाटक, केरल में हो सकती है जोरदार बारिश, बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। केरल के 7 जिलों में मौसम विभाग ने जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट, वायनाड और कन्नूर में हो सकती है जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने मलप्पुरम में जारी कर दिया रेड अलर्ट, यहां 24 घंटे हो सकती है बारिश।
मौसम विभाग के अनुसार 30 जून तक दिल्ली एनसीआर में आ सकता है मॉनसून। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लोगों से अपील कर दिया, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसरो की बड़ी कामयाबी, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का किया सफल परीक्षण फाइनल। गंगोत्री यमुनोत्री में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, आंकड़ा 9 लाख के पार। 10 मई को खुले थे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट, पिछले साल की तुलना में लगभग 16% ज्यादा। इलाज के लिए स्विट्जरलैंड से अमेरिका जाएंगे दलाई लामा। राष्ट्रपति बाइडेन से भी कर सकते हैं मुलाकात, बाइडेन ने जताई थी दलाई लामा से मिलने की इच्छा। 12 में डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भव्य लेजर शो का उद्घाटन। अयोध्या में सरयू महोत्सव पर सरयू नदी की पार आरती करते विधि विधान से पूजा अर्चना। कोलकाता के स्कॉन मंदिर में मनाई गई भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा। जयपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री ने महिलाओं की ग्रुप के साथ सेल्फी ली। अहमदाबाद में साइक्लोथॉन का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान, वॉकथॉन का आयोजन। कारगिल में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शानदार पहल, ट्रैक टू बैटल साइट का आयोजन। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से बाइक रैली का किया गया आयोजन। जयपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाली बाइक रैली, ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता। हैदराबाद में गौ संरक्षण को लेकर अखिल भारत गौ सेवा फाउंडेशन की पहल। 2 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण का दिया संदेश, पौधारोपण करके प्रेरित किया। रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक की, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। देवघर नगर निगम की नशा मुक्ति के खिलाफ शानदार पहल, महिलाओं ने श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। गोवा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, एंटी नारकोटिक्स रन। बिहार में एक सप्ताह के अंदर तीसरा पुल गिर गया, मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त। लगभग 2 करोड़ की लागत से बना रहा था पुल, 50 फीट लंबा बना था ब्रिज। बीएसपी की रैली में मायावती के साथ नजर आए आकाश आनंद, सिर पर हाथ रखकर मायावती ने आशीर्वाद दिया। आकाश आनंद को लेकर सियासी कयासबाजी शुरू, बीएसपी में मिल सकती है आकाश को लेकर बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों पर दिए बयान पर पकड़ा तोड़। सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ा खुलासा, नक्सलियों के पास से मिले 2 छापने के उपकरण। बारामूला के पुलिस सेक्टर में सेना का बड़ा एक्शन, नियंत्रण रेखा पार आतंकी से मुठभेड़। मुठभेड़ में 2 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिली, सेना के हथियार बरामद। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिला सहकारी बैंक में 52 लाख के घोटाले के आरोप में 2 बैंक अधिकारी गिरफ्तार। अलवर में श्री शीटर को पकड़ने पुलिस टीम पर किया गया हमला, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। दिल्ली में शहादत दिवस के रूप में मनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोग्राम की शिरकत, जयंत चौधरी ने स्वागत। सुकमा में बस स्टैंड पर चला जा रहा अतिक्रमण विरोधी अभियान, 15 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। गढ़चिरौली में माओवादियों ने किया सरेंडर, डिप्टी सीएम ने माओवादी और उनके परिवार से बातचीत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, इंदौर से उज्जैन तक चलेगी मेट्रो।